नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको वाशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। दोस्तों जो इसकी वाश मोटर है ये चल तो रही है दोस्तों, लेकिन लोड नहीं उठा रही। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। ये इंटेक्स कंपनी की है वाशिंग मशीन और 7.6 किलोग्राम की है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। ये देखिए हमने चला दी दोस्तों, चल तो रही है लेकिन ये लोड नहीं उठा रही। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और वाशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों वाशिंग मशीन से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो सिंपली हम इसका बैक का जो पार्ट है खोल लेंगे और देखते हैं इसमें जो इसकी हमारी वाश मोटर है दोस्तों, कपड़े जो धोने वाली है दोस्तों, वो देखते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो हमारा गियर बक्सा है वो नीचे से लीक है दोस्तों, यानी ये देखिए यहाँ से पानी नीचे की तरफ टपक रहा है, तो हमारा गियर बक्सा ख़राब है दोस्तों, जिसके कारण ये लोड नहीं उठा रही। तो दोस्तों हम सिंपली इसका गियर बक्सा चेंज करेंगे और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है दोस्तों कि इसका गियर बॉक्स कैसे चेंज करें, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और सिंपली इसका गियर बॉक्स चेंज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि जो इसके नीचे जर लगी हुई है गियर बॉक्स के, और जो पानी है वो नीचे की तरफ टपक रहा है, ठीक है। इससे हमारा गियर बॉक्स लीक है दोस्तों। तो इसका गियर बॉक्स बाज़ार से हमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमने इसमें पानी पा के चेक करा है, तो इसका ये गियर बॉक्स नीचे से लीक है, बाकी तो हमारी वाशिंग मशीन ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।